हम आज पवन सुत हनुमान की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो रोम रोम में राम सिया की छवि बसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कुंजी कस्थिला नाम था जिसका, स्वर्ग की थी सुंदरी। वानर राज कुंजर के जन्मी नाम हुआ अंजनी। कपि राज के सरी ने उससे ब्याह रचाया था। गिरि नामक संग पर क्या आनंद मंगल छाया था। राजा के सरी को अंजना का रूप लुभाया था। देख देख अंजनी को उनका मन हर्षाया था। वैसे तो उनके जीवन में थी सब खुशहाली, परंतु गोद अंजनी माँ की संतान से थी खाली। अब सुनो हनुमत कैसे पवन के पुत्र कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्राप्ति कारण अंजना तप की ना भारी। मतंग मुनि हो प्रसन्न हुए अंजना के हितकारी। बोले मुनि वक्ता चल जाओ हे देवी अंजना, वक्तेश्वर भगवान को जप और तप से प्रसन्न करना। अंजना ने आकाश गंग का पावन जल पिया, घोर तपस्या करके वायु देव को प्रसन्न किया। अंजनी माँ को स्पर्श किया वायु का एक झोंका, पवन देव हो प्रकट उन्हें फिर पुत्र प्रदान किया। इस कारण बजरंग पवन देव के पुत्र कहते हैं। राजा केसरी और अंजना करते नित शिव पूजा, शिव भक्ति के बिना नहीं था काम उन्हें दूजा। हो प्रसन्न शिव प्रकट हुए तब अंजना वर मांगी, हे शिव शंकर पुत्र मेरा हो आपके जैसा ही। शिव जी बोले अंजना होगी पूर्ण तेरी इच्छा, मेरे अंश का ग्यारहवां रुद्र ही पुत्र तेरा होगा। जन्म लिए बजरंगी घट गए संकट के बादल, चैत्र शुक्ल की 15 थी और दिन था शुभ मंगल।
बजरंगी तब से शंकर के अवतार कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये ज्ञानी गुण के।